नाज़रीन, LED की बदौलत बड़ी स्क्रीन वाले टीवी आम होते जा रहे हैं और आजकल 32 या 40 इंच स्क्रीन वाले LED टीवी का इस्तेमाल मामूल बन गया है। लेकिन अगर आप भी LED टीवी खरीदने का इरादा रखते हैं तो इन 8 बातों का खास ख्याल रखें। देखने के लिए कम से कम फासला, 32 इंच स्क्रीन वाला टीवी देखने के लिए कम से कम फासला 4 फिट और 48 इंच वाले टीवी के लिए 7 फिट होना चाहिए। इसी तरह 55 इंच स्क्रीन वाले टीवी को देखने का कम से कम फासला 10 फीट मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि LED टीवी खरीदने से पहले आपको घर का वो कमरा नाप लेना चाहिए जहां आप ये टीवी रखना चाहते हैं, और इसी मुनासबत से LED टीवी की जिसामत का फैसला भी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दीवार के साथ एक बहुत बड़ा LED टीवी तो रखते हैं लेकिन इससे बहुत करीब बैठने पर मजबूर हो, जो आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी बात वो ये है कि फुल HD टीवी खरीदिए। आजकल HD का जमाना है और बहुत से LED टीवी HD रेडी के नाम से फरोख्त किए जाते हैं, हालांकि इनका स्क्रीन रेजोल्यूशन हाफ HD यानी 720 पिक्सल होता है। इसलिए इन्हें हरगिज ना खरीदें। रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल होता है और ये टीवी आमतौर पर HD रेडी से महंगे होते हैं, खासतौर पर छोटे कमरों के लिए तो फुल HD टीवी ही बेहतरीन रहता है। फिर आता है साइज को स्मार्ट फीचर्स पर तरजीह दीजिए। आजकल स्मार्ट टीवी के हर तीसरे इश्तहार में स्मार्ट फीचर्स की तारीफों में जमीन और आसमान एक किए जाते हैं। ये सिर्फ महंगे LED टीवी बेचने का एक तरीका है और कुछ नहीं। फिर ये भी कि ज्यादा स्मार्ट फीचर्स वाले LED टीवी की मरम्मत भी ज्यादा मुश्किल और महंगी साबित हो सकती है। इसलिए स्मार्ट फीचर्स के धोखे में आने के बजाय इसी कीमत में ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीद लीजिए। सेट टॉप बॉक्स, फ्लैश ड्राइव या PC, पाकिस्तान में सेट टॉप बॉक्सेस तेजी से मकबूल हो रहे हैं, लेकिन आजकल LED टीवी में USB लगाकर फिल्में देखी जाती हैं, जबकि बहुत से लोग LED टीवी को कंप्यूटर से मुंसलिक करके फिल्में वगैरह भी देखते हैं और इससे लुत्फंदोज होते हैं। लिहाजा LED टीवी खरीदने से पहले ये देख लें कि आप इस पर बेशतर प्रोग्राम किस सरिये से देखेंगे। तमाम LED टीवी सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर फ्लैश ड्राइव भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसा LED टीवी तलाश करें जो तमाम मकबूल वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता हो, और अगर कंप्यूटर से जोड़ना है तो फिर बेहतरीन यही है कि 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला फुल HD टीवी ही खरीदिए। फिर आता है आवाज। बड़ी स्क्रीन और अच्छे रेजोल्यूशन के अलावा LED टीवी की आवाज भी जबरदस्त होनी चाहिए। स्पीकरों की लंबी चौड़ी तफसीलात में पढ़ने की बजाय सिर्फ ये यकीन कर लें LED टीवी में कम से कम 2.1 चैनल वाले स्पीकर होने चाहिए। फिर आएगा कनेक्टिविटी का मरहला। कभी इम्कान है कि आप अपने LED टीवी को सेट टॉप बॉक्स के अलावा भी दूसरी चीजों से जोड़ना चाहते होंगे। अगर ऐसा ही है तो LED टीवी खरीदने से पहले ये देख लें कि इसमें HDMI, USB और AV पोर्ट्स के अलावा ऑडियो जैक 3.5mm भी मौजूद होने चाहिए। अगर ब्लूटूथ की सहूलत हो तो फिर आप इससे और फायदा उठा सकते हैं। सस्ते 4K LED से बचिए। कम खर्च में बेहतरीन क्वालिटी पिक्चर की पेशकश करने वाले LED टीवी में अक्सर औकात 4K का बहुत तस्करा किया जाता है। 4K जदीद तरीन वीडियो फॉर्मेट है जो फुल HD से भी आगे है, लेकिन अभी ये ज्यादा आम नहीं हुआ और इस फॉर्मेट को सपोर्ट करने वाले LED टीवी भी मामूल के फॉर्मेट से बहुत कमजोर साबित होते हैं। इसलिए फिलहाल 4K के झांसे में ना आइए। स्मार्ट के धोखे से भी बचिए। स्मार्टफोन की तर्ज पर आजकल हम कम खर्च स्मार्ट LED टीवी भी फरोख्त किए जा रहे हैं, जिन्हें एंड्रॉयड टीवी, PC ऑन चिप और ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है। ये भी हो सकता है कि ऐसे गैर मारूफ ब्रांड्स आपको खरीदने के बाद रुला दें। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में हमने आपको बताया है कि LED टीवी खरीदते वक्त किन 8 बातों का ख्याल रखना है। तो जब भी LED टीवी खरीदिए हमारी ये स्टोरी देखना ना भूलिएगा। तो स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपके किसी दोस्त ने स्मार्ट LED टीवी लेना है, ताकि उसकी रहनुमाई हो सके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।